वाक्य का मतलब होता है निराली, जिसकी अदा है, जिसकी सब कलाएं निराली हैं, जो वाका है, जिनके साथ में सखा सोते थे आज वही सखा हैरान हो गए। अरे कृष्ण तू कैसा हो गया है, पहचान में ही नहीं आ रहा है, निराला है, बांका है। हर लीला में भगवान ने कीर्ति कमाई है महाराज। भगवान ने कहा देवी बड़े जन्मों के बाद मानस जन्म में मिलन हुआ, अब तुम यहीं रुको। राधा जी ने शर्त रख दी, मैं यहीं रुक जाऊंगी पर मेरे सिवाय किसी और की तरफ नहीं देखना। भगवान ने कहा ये असंभव है भाई, ये शर्त ठीक नहीं है, क्योंकि हम लोग अंदर से एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, तुम मेरी हो मैं तुम्हारा हूँ, पर ये सारे दुनियादारी भक्त लोग भी आशा लेके बैठे हैं, इनकी तरफ थोड़ा तो देखना पड़ेगा। राधा ने कहा बिल्कुल भी नहीं, क्यों, मैंने तुम्हारे लिए बाप का घर छोड़ दिया, बहन छोड़ दी, सखियां छोड़ दी, गांव के लोग मुझे बदनाम करते हैं, सब छोड़ दिया, क्या तुम मेरे लिए अब इन सखियों को नहीं छोड़ सकते। भगवान कहते हैं देवी असंभव है, क्योंकि हमने जिसको सखा बना लिया उसे बना लिया, छोड़ते नहीं है हम। दुपंडोन भागवतम रसा अमृतो, भगवती माता जगदम्बा पार्वती से कहा देवी मुझे भी ब्रज में जाना है मेरे पति भगवान के दर्शन करने। भगवान शंकर की ज्ञान दायत्री हैं श्री राधा। सारे श्रोताओं ध्यान से सुनिए, श्री राधा भगवान शंकर की गुरु हैं, गुरु, इसीलिए भगवान विष्णु जो है उनकी चरण सेवा कर रहे हैं महाराज। इसलिए राधा जी ने सबका अधिकार छिना लिया है। राधा तू बड़ी भागनी, मैं राधे तेरो दास, और जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन बास। वृंदावन में शूद्र के घर में भी जन्म हो जाए वह भी श्रेष्ठ माना गया है महाराज। गतान पुष्पांजलि योगम भागवतम यथा अमृतम। बड़ी शांति रखिए बहनों, हाथ जोड़ के। भगवान शंकर पधार रहे हैं, भगवान शंकर ने कहा ऐसा रूप हमारा कर दो जिससे हमें भगवती राधा जी के दर्शन करने में किसी प्रकार की बाधा न आवे। जो भी राधा भक्त बनना चाहते हैं उनके अंदर से पौरुष्य निकलना चाहिए, उनके अंदर स्त्रीत्व आना चाहिए, तो ही राधा की भक्ति फलित होती महाराज। और एक बार श्री राधा जी प्रसन्न हो गई तो शिव प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं महाराज। राधा जी की भक्ति करने पर राधा स्वरूप होना चाहिए भगत का, और कृष्ण स्वरूप होना चाहिए। राधा और कृष्ण दोनों ही रंग, दोनों रूप दिखने चाहिए, वो असली भक्त कहलाता है कृष्ण और राधा जी का। आज स्वयं भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कहते हैं पार्वती जी से भगवान शंकर ने 16 श्रृंगार करवाए। जिन जटाओं को भगवान शंकर ने कभी खोला नहीं, आज भगवान उन जटाओं को गंगा के पानी से धो के सुंदर से बाल बखेर के और मधुर मधुर श्रृंगार करके भगवान आज स्वयं गोपेश्वर बनकर के ब्रज में पधार रहे महाराज। भगवान शंकर ने गोपेश्वर का रूप धारण किया है, गोपी का, जिसने अपनी खुद की पत्नी के लिए कभी अच्छे कपड़े नहीं पहने महाराज, आज वो अनंत वैरागी स्त्री के पूरे भेष को धारण करता है, पार्वती बनकर के पधारे। चलिए जिनको भी श्री राधा जी के चरणों का दर्शन करना है वो मन से स्त्री हो जाएं सब, अपने अंदर से पुरुष भाव निकाल दो, लिपस्टिक ले लो इनके पर्स में से, पोत लो गालों पे। हाँ? मुझे तो जरूरत ही नहीं, राम जी ने पहले लगा के भेजा है, चका है चक।
आपके काले हो गए तमाकू खा के पोतना पड़ेगा। हाँ एक दिन भोले भंडारी और बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए। ब्रज में बदना भोले भंडारी ब्रज के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए। गोकुल में आ गए पार्वती जी मना तिहारी ना माने ससुरारी गोकुल में आ गए। कर लिया है तुम्हारे दिमाग को, तुम्हें लाज नहीं लगती मेरे कपड़े पहनने में? भगवान शंकर कहते हैं अरे श्री राधा जी का दर्शन नहीं होगा, अब मुझे स्त्री बनना ही पड़ेगा। केवल शिव जी नहीं भगवान कृष्ण भी स्त्री बन गए महाराज। इसीलिए कहा है प्यारे बंधुओं आज भगवान श्याम सुंदर भी स्त्री, शिव जी भी स्त्री बने हैं। ओ मेरी पार्वती मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती मैं भी चलूंगा तेरे संग में, हाय हाय संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, हाय हाय संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी हमें दिखाओ प्यारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल भागवतम।
यथा मूल्यम दर्शनम। महाराष्ट्र में समस्त देवता भी श्री राधा जी के भेष में हो गए। भगवान शंकर भगवान श्री श्याम सुंदर ने भी वही भेष धारण किया। जन्म जन्म का श्री राधा जी को रूप मिल गया श्यामा का। श्री राधा कृष्णा हो गई और श्याम श्यामा हो गए। आलिंगनम प्रवृत्ति नाम कथा रूपम, आज दोनों का रूप बदल गया महाराज। भगवान की धीरे धीरे आयु 11 वर्ष की हुई। 11 वर्ष के जब ठाकुर जी हुए तो नंद जी ने अधिक बारिश करवाने के लिए इंद्र यज्ञ रखा। उस इंद्र यज्ञ में बलराम और कृष्ण नहीं पहुंचे। कारण पूछा गया तो कृष्ण ने कहा कि हम इंद्र की पूजा इस वर्ष नहीं करेंगे, इस वर्ष हम गोवर्धन की पूजा करेंगे जो हमारी गायों को चारा देता है। वर्धिताम गौ मेधाम भया पूजाम यथा कर्मम। जहां पर गौओं का वंश बढ़ रहा है, जहां गौओं की रक्षा हो रही है, मैं उसको इष्ट मानता हूं। इंद्र अभिमानी देवता है, जब चाहे तब बरसात कर देता है। लोग जब मांगते हैं तो इंद्र पानी नहीं देता, लोग जब नहीं मांगते तो पानी देता। इसलिए बाबा इस बार गोवर्धन पूजा होगी। नंद जी ने कहा बालक हैं, पूजा पाठ की बच्चों की इच्छा हुई है तो उन्हें ना नहीं बोलना। नंद जी ने इंद्र की यज्ञ कैंसिल कर दी और गोवर्धन की पूजा की तैयारियां हुई। 56 प्रकार के अन्न से भोजन बनाया गया, अन्नकूट प्रसाद जिसे कहते हैं। यमुना जल से स्नान कराया, 56 व्यंजनों से भोग लगाया, गोवर्धन की परिक्रमा की, नतमस्तक होकर वंदन प्रणाम किया श्याम सुंदर जी। जिस धरती ने सबको ब्रजवासियों को अन्न धन दिया है उसकी पूजा होनी चाहिए। इसलिए जितने भी किसान बैठे हैं ना, उन सबको सीखना चाहिए भागवत से। जिस जमीन में गेहूं चावल धान केला गन्ना पैदा होता है, बैसाख महीने में उस धरती की पूजा करनी चाहिए। और बैसाख में कोई फसल नहीं होनी चाहिए, खेत में निर्जल निर्वित होना चाहिए जमीन, और पूजा करके छोड़ देनी चाहिए बैसाख में। और बैसाख में जो अपनी खेती की पूजा करता है, अषाढ़ के महीने में उसके खेत में अमृत बरसता है और फिर इतना धन धान्य पैदा होगा कि संभाले नहीं संभलेगा। जिनको खेती में घाटा हो रहा है ना, ये घाटा इसीलिए हो रहा है, रोज यूरिया डालते, जहर डालते, दवा छिड़कते धरती के ऊपर, पर पूजा कभी नहीं करते। अरे माँ के ऊपर दवा डालते हो, यूरिया डालते हो, तो कभी पूजा तो करो। लालची हो गए सब किसान, पूरी धरती को बांझ कर दिया है दवाई मार मार के। ऊपर से अप्राकृतिक कभी बरसात हो जाती है, कभी गारपीट हो जाती है, सब नुकसान हो जाता है। इसलिए आज भगवान ने गोवर्धन की पूजा करके भागवत में ये सिखाया कि जहां पर भी गौओं के चारे पैदा होते हैं उस धरती की पूजा और रक्षा होनी चाहिए। महाराज भारत के हर गांव में गौचर होता है। भारत का एक भी ग्राम पंचायत ऐसा नहीं है जहां पर गायशाला के लिए जगह नहीं है, पर आगे सरपंच सबको, सरपंचों ने दीवार लगा ली है। गाय चारे की जमीन गौचर बोलते हैं उसको। हाँ, ग्राम पंचायत की जो जमीन होती है ना, वो सब गायों के लिए होती है। और पहले सबकी गायें वही रहती थी महाराज,
सब कहीं प्लॉट काट दिए, कहीं कुछ हो गया, कहीं मंगल कार्यालय बना दिया, कहीं कुछ बना दिया। जैसी जिसकी जमीन हाथ में लपक गई वैसे लपक ली और गायों को रोड पर भूखा मरने के लिए छोड़ दिया। इन गायों को झूठा रोड पर खाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर गांव के गौचर बचे रहते तो। सौ सौ बीघा जमीन सरकार ने गायों के लिए दी हुई है, पर इन 60 सालों में वो जमीन कहां गायब हो गई पता ही नहीं है। खाली कागज में तो है तलाटी के, पर धीरे 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 ग्राम सेवक तलाटी को भी बेईमान कर दिया, जमीन को खाली को खेत में उतारा करवा लिया। गाय घूम रही है, गाय की जमीन किसान के नाम पे आ गई, कैसे आ गई क्या मालूम। भरना पड़ेगा, सबको भरना पड़ेगा। आज जो हर महीने बरसा हो रही है, बार बार गारपीट हो रही है ना, इसका कारण है गाय झूठा मर रही है तुम्हारी। जिस दिन गाय का पेट भर जाएगा उस दिन ये गारपीट तुम्हारे खेत में पके हुए अनाज पे पड़ने वाला नहीं है महाराज। गाय के सींग में आकाश है, बादल है, गाय के पैर में नाखून में धरती है। गाय के पैर नहीं रहेंगे तो ये धरती नहीं रहेगी, गाय के सींग नहीं रहे तो ये आकाश गिर पड़ेगा। इसीलिए हम इतना जोर लगा के बोलते हैं गाय के लिए। हमने कभी कहा है कि तुम पति को जहर मत देना, आज ही दे दो, हम थोड़ी ना बोल रहे, पर गाय को बचाओ। पति मर गया तो जगत बचेगा, पर गाय मर गई तो ये दुनिया बचने वाली। इसीलिए गाय होगी तो जहान होगा, सब होगा। गुरुवर्य युग प्रवर्तक क्रांतिकारी राष्ट्रीय संत परम पूज्य श्री इंद्रदेव जी महाराज जी के शुभ सानिध्य में राष्ट्र सेवा, जन सेवा तथा धर्म सेवा हेतु गौशाला, वृद्धों की सेवा, अन्नदान, वस्त्रदान, यज्ञ हवन आदि सेवाएं निरंतर निशुल्क चलाई जा रही हैं। एक गोमाता के लिए एक वर्ष के चारे हेतु 11,000 रुपए, 5 गौमाता का 51,000 रुपए, 11 गौमाता का 1,11,000 रुपए धनराशि देकर गौ सेवा में हमारा साथ दे सकते हैं। बूढ़े माता पिताओं को सम्मान पूर्वक रखने और उनके खाने की सुंदर व्यवस्था हेतु वृद्धाश्रम का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। अनेक वृद्ध माता पिताओं की सेवा के साथ वृद्धाश्रम निरंतर चल रहा है। 25,000 रुपए की राशि देकर आप वृद्धाश्रम के आजीवन सदस्य बन सकते हैं तथा 2,51,000 रुपए देकर निर्माणित वृद्धाश्रम में एक रूम पर अपना नाम लिखवा सकते हैं। कृपया हमारा सहयोग करें। हमारा अकाउंट डिटेल्स हमें संपर्क करने के लिए डायल करें +91 88 059 60202, +91 88 059 70202। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट भी देख सकते हैं www.shriindradevjimaharaj.com। हमारा ईमेल आईडी है श्री इंद्रदेवजी महाराज @gmail.com।